एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स माइंडेड माय नेम इज प्रिया आनंद एंड मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर स्पेशली क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स जो इस साल क्लास ट्वेल्थ अकाउंट के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहली चीज आई वुड लाइक टू डिस्कस और सब लोग अवेयर हो गए इस बात के लिए कि अब सी ने एक नया पैटर्न निकाला है जिसके अकॉर्डिंग आर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टर्म वन एंड टर्म टू एंड सिंस वी हैव आर एग्ज़्ज़ाम्स इन नवम्बर टर्म वन के एग्जाम्स हमारे नवंबर में होने वाले हैं एंड टर्म टू के बाद में होने वाले हैं तो बच्चों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं एजोशन रीजनिंग क्वेश्चन क्या होते हैं अगर आपको भी इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है देन योर कन्फ्यूजन इज सॉल्व वाई बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल टू सोल्व एजोशन रीजनिंग क्वेश्चन एंड टू सॉल्व केस बेस्ड क्वेश्चन एंड टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इतने भारी भारी वर्ड सी बी एस ई वालों ने लॉन्च करे हैं इतने भारी भारी वर्ड्स बच्चों के लिए निकाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएँ या ऐसे क्वेश्चन निकाले जाएँ कि बच्चे वही उसी के बेसिस पर अपना बोर्ड एग्जाम देंगे सो so, मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पूरी पढ़ाने वाली हूँ टर्म वन में हम सबसे पहले करने वाले हैं सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स टर्म वन में आने वाले हैं एंड अकाउंटेंसी भी मैं हेल्प करूंगी उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स टर्म वन में आने वाले हैं मैं हर एक चैप्टर की एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरे कुछ क्वेश्चन होएंगे क्वेश्चन में एजर्शन रीजनिंग होएगा केस बेज होएगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे है तो सारे ऑब्जेक्टिव ही बट सबका नाम अलग हो चुका है एज पर द न्यू सी बी एस ई पैटर्न इफ यू सी सो हर एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे एंड इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन यू हैव टू वॉच माय वीडियोस ऑल द वीडियोस रेगुलरली सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉमर्स माइंडेड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अकाउंटेंसी अब मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगी कि हमारे टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं सिंस द द बोथ द अकाउंटेंसी हैज बिन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी राइट सो पार्ट ए में हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है चेंज इन पी एस आर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन यू हैव एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये तीनों चैप्टर्स आपके होंगे एटीन मार्क्स के देन नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर शेयर्स जिसको हम शेयर कैपिटल भी बोलते हैं जो हमारी लास्ट सेकेंड बुक कह सकते हो हमारी उसमें शेयर्स हैं डिबेंचर्स हैं एडमशन ऑफ डिबेंचर्स है जिसमें उसमें से सिर्फ एक टॉपिक आ रहा है टर्म वन में दैट इज ट्वेल्व मार्क्स का देन You have in part B, आपके पास चैप्टर नंबर वन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जिसमें सब हेडिंग्स और हेडिंग्स के बारे में बताया जाता है देन यू हैव लास्ट में रेशियो एनालिसिस। तो ये सारे चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है टर्म वन में दैट एवरीथिंग इज एमसी क्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जैसे के बीसी है ना कौन बनेगा करोड़पति में चार ऑप्शन होते हैं वैसे ही हमारे अकाउंटेंसी के टर्म वन में एमसीक्यूज आने वाले हैं सो so, हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस से सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर आऊंगी सो so, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दूँ सो बेसिकली आपको 45 फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे अपने एग्जाम्स में अपने एग्जाम में मैं स्पेसिफिकली पहले अकाउंट्स की बता रही हूँ बिजनेस स्टडीज का एक अलग कॉन्सेप्ट है अलग पैटर्न है उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी सो इन अकाउंटेंसी यू हैव टू अटेम्प्ट 45 फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे ठीक है उसमें से आपको बहुत सारी ऑप्शंस दी जाएंगी, तो इन टोटल आपको 45 45 करने हैं, अब आप बोलोगी कि मैम है तो 40 40 का paper, but 45 questions कैसे? कैसे हुआ 40 marks? ये 18 plus 12 plus 10 की हमारी पार्ट बी थर्ड बुक जो है थर्ड बुक में से जो हमारे कंपनी आ रहा है सो टेन प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन फोर्टी अब फोर्टी मार्क्स का पेपर है फोर्टी मार्क्स आ रहे हैं अब एमसीक्यूज हैं बट फोर्टी फाइव क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है हमारा हर एक क्वेश्चन मार्क्स का होगा तो अगर आप इसको divide, अगर आप आप इसको इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट फोर्टी मार्क्स ऑनली ठीक है तो आपको फोर्टी फाइव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन पॉइंट एट एट मार्क्स का होगा योर पेपर विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट थ्री आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो वो एक ऑप्शनल है या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला करोगे टॉपिक या तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला करोगे सो पार्ट वन एंड टू में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ऑप्शन पूछी जाएंगी एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ सी बी एस ई एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ सी बी एस ई तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है आपको एग्जैक्टली exactly जानना है कि किस तरीके का पैटर्न हमारे सी बी एस ई में बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है देन यू नीड टू वॉच माई ऑल वीडियोज़ सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज रेशियो एनालिसिस मैं इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी मैंने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस की एक वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने एक रिविजन वीडियोज भी बनाई है अपने रेशियो एनालिसिस की अब उस पहले मेरी वो वाली वीडियोस देखकर आओ रिविजन वीडियो देख कर आओ देन यहाँ पर आओ मेरे पास एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए और जनरल और जनरल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड